तो यार इस वीडियो में हम क्यूब मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये मूवी 1997 में आई थी। मूवी साइंस फिक्शन हॉरर जॉनर की है। इस मूवी में कुछ लोग क्यूब आकार के रूम्स में होते हैं और उन्हें वहां से निकलना होता है। तो अब मूवी पर आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक रूम में होता है। तो वो वहाँ पर जो छोटा दरवाज़ा होता है उसमें से होकर दूसरे रूम में जाता है। उस रूम में कुछ सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और उस बंदे का शरीर केक की तरह छोटा छोटा कट जाता है। तो इन क्यूब वाले रूम में सेंसर लगे होते हैं जिनके कारण वहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक क्वेंटिन नाम का बंदा था जो कि एक पुलिस वाला होता है। दूसरा डेविड होता है जो कि ऑफिस वर्कर होता है। एक डॉक्टर हेलेन होती है। फिर लेविन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। वहीं एक और आदमी होता है जिसका नाम रिंज होता है जो कि एक जेल का कैदी होता है जो कि 7 बार जेल से भाग चुका था जिस कारण उसे सेंसर सबका ज्ञान कुछ ज़्यादा ही था। रिंज बाद में उस ग्रुप से मिलता है। रिंज एक भगौड़ा था इसीलिए वो आसानी से सभी क्यूब रूम में जा सकता था। तो अब सभी लोग इन क्यूब रूम्स में आकर फंस चुके होते हैं। तो सभी लोग घबराने लगते हैं। उन सभी में से डेविड बहुत शांत होता है मानो कि उसे इन सब से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं क्वेंटिन उन सभी को शांत करता है। अब यहाँ रिंज को लगता है कि हर एक ट्रैप उनके मोशन के कारण ही एक्टिवेट होता है। तो फिर वो हर रूम में जाने से पहले अपना एक जूता उस रूम में फेंकता था ताकि उसे पता चले कि कहीं पर किसी तरह का ट्रैप तो नहीं है। ऐसे ही वो सभी रूम में जाने से पहले टेस्ट करता था। तो वो एक रूम में जैसे ही अपना एक जूता डालता है तो उस रूम में आग जलने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तो फिर वो दूसरी तरफ के दरवाजे को खोलता है और दूसरा जूता डालता है। वहाँ पर कोई खतरा नहीं होता है। तो फिर वो अंदर चला जाता है। लेकिन जब लेविन उस छोटे दरवाजे से गुजरती है तो फिर वो वहाँ पर कुछ नंबर्स को नोटिस करती है जो कि हर क्यूब रूम के सभी दरवाजे पर होते हैं। अब इस रूम में सेफ होने के बाद रिंज आगे रूम में अपना जूता फेंकता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो फिर रिंज उस रूम को सेफ समझकर उसमें चला जाता है। लेकिन तभी अचानक उसमें से एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और फिर तेजाब की बारिश हो जाती है जिससे कि उसका चेहरा जलने लगता है। सभी लोग उसे उस कमरे से वापस खींच लेते हैं पर उसका शरीर एसिड से कुछ ज़्यादा ही भुना गया था जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि हर एक ट्रैप अलग अलग सेंसर से एक्टिवेट होता है। लेविन मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होती है तो वो नंबर्स को देखकर कुछ सोचती है और फिर कंक्लूजन निकालती है कि उन नंबर्स के एडिशन से अगर प्राइम नंबर निकलता है तो रूम ट्रैप है, मतलब कि उस रूम से खतरा है। फिर वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए प्राइम नंबर वाले रूम में एक जूता डालती है तो उस रूम में खतरा होता है। वैसे ही वो नॉन प्राइम वाले नंबर वाले रूम को टेस्ट करती है तो वो रूम सेफ होता है। अब वे लोग ऐसे ही एक रूम से दूसरे रूम में आगे बढ़ते जाते हैं बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए। अब उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर साला कौन इन सब के पीछे हो सकता है। वहीं डॉक्टर हेलेन के मुताबिक ये गवर्नमेंट या फिर आर्मी वालों का काम हो सकता है। वहीं क्वेंटिन पेशे से एक पुलिस वाला होता है तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम करने से भड़क जाता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है। इन रूम्स को जरूर रईस जादो ने अपने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया होगा क्योंकि कुछ लोग साइको टाइप के लोग होते हैं जिनको लोगों को तड़पते हुए देखकर मजा आ जाता है। और जरूर रूम्स में कहीं ना कहीं कैमरे होंगे जहाँ से वे लोग उनको देख रहे होंगे। ऐसे ही रूम में आगे बढ़ने पर उनको कैजिन नाम के एक लड़का मिलता है जो कि दिमाग से हाफ माइंड होता है। अब हेलेन पैसे से एक डॉक्टर उसे अपने साथ आगे ले जाने के लिए मनाती है पर क्वेंटिन इस डिसीजन के खिलाफ होता है। वहीं लेविन को एक रूम उसके प्राइम नंबर वाले थ्योरी के हिसाब से सुरक्षित लगती है तो क्वेंटिन पहले उस रूम में जाकर देखता है पर वो रूम ट्रैप होता है जिसमें कि वो वहाँ पर फंस जाता है। पर वो जैसे तैसे उस रूम से वापस निकल जाता है पर इसी में उसका पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है। तो फिर वो लेविन और बाकी के लोगों के ऊपर बरस पड़ता है। तो अब सभी लोग आपस में ही झगड़ जाते हैं कि आखिर इस भूल भुलैया को बनाने का मकसद क्या हो सकता है। वहीं जब क्वेंटिन और डॉक्टर हेलेन आपस में तूतू मैं कर रहे थे तब डेविड बीच में बोलता है कि वे लोग वहाँ से कभी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब ये सुनकर सभी लोग डेविड से पूछताछ करने लगते हैं कि ये बात उसे कैसे पता है। क्वेंटिन डेविड को थोड़ा सा खर्चा पानी देता है तब डेविड अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि वो इसी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, उसी ने इन क्यूब्स के बाहर के शील्ड को बनाई थी। डेविड और उसके कंपनी के लोगों को ये काम मिला था पर डेविड और उसकी कंपनी को नहीं पता था कि वे लोग कौन है, बस उन्हें क्यूब की शील्ड का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन वे क्यूब्स को किस लिए
और किसके लिए बना रहे हैं ये सब उन्हें नहीं पता था। डेविड के अनुसार ये क्यूब्स और इसके स्ट्रक्चर को किसी और ही काम के लिए बनाया गया था, पर वो काम पूरा नहीं हो पाया था और अभी वो पूरा स्ट्रक्चर को यहाँ देख रहा है। अब इन सब बातों को सुनने के बाद उन सभी के दिमाग में बहुत से सवाल आने लगते हैं कि कोई बिना मतलब के प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे पैसा खर्चा क्यों करेगा। अब लेकिन इन सब बातें करने का घंटा कोई फायदा नहीं था क्योंकि इससे वे लोग बाहर नहीं निकलने वाले थे। अब उनको ये बात तो पता चल गया था कि लेविन का प्राइम नंबर वाला थ्योरी सही नहीं है, तो अब डेविड को काफ़ी कुछ इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, तो वो अब इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब लेविन और डेविड कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर एक क्यूब रूम के आर पार 26 रूम हैं और इन्हें अगर टोटल करें तो यहाँ टोटल 17,576 रूम होंगे। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक 99% चांस है कि वे लोग इस पजल से निकल नहीं पाएंगे। पर लेविन एक स्मार्ट स्टूडेंट होती है तो उसे पता चलता है कि जो सीरियल नंबर्स को उसने हर दरवाजे पर देखी थी वो असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस क्यूब रूम के, जिससे इन्हें पता चलेगा कि वे लोग अभी किस रूम में हैं और इस लाइन के आखिर में कितने रूम और होंगे। तो अब मैथ्स के जितने भी अल्फा बीटा थीटा जो कुछ भी होता है उनसे कैलकुलेशन करती है और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उस स्ट्रक्चर का मैप बनाने की कोशिश करती है। यहाँ डेविड भी उसका बहुत मदद करता है, तो उन्हें पता चलता है कि आगे 6 और रूम के बाद इस लाइन की लास्ट रूम पड़ेगा, तो वे लोग उसी कैलकुलेशन के हिसाब से लास्ट रूम तक जाने के लिए निकलते हैं। तो इसी बीच में वे लोग एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जिसका कोऑर्डिनेट बहुत ही विचित्र होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट 27वें रूम का होता है जबकि इस लाइन में केवल 26 रूम होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये रूम क्यूब के बाहर होनी चाहिए, पर यह तो क्यूब के लाइन में थी। उनको ये थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर भी वे लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट वाले रूम में साउंड ट्रैप होता है, लेकिन वही रूम सही होती है, पर हाफ माइंड काइजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है क्योंकि उसे रेड रूम पसंद नहीं होता है। तो डॉक्टर हेलेन काइजन को शांत करती है और आगे जाने के लिए कहती है। ऐसा करते हुए सारे लोग आगे निकल जाते हैं। आखिरी में क्वारंटीन होता है। जब वो रूम से निकलने लगता है तो अभी हाफ माइंड काइजन को लगता है कि सभी लोग आ गए हैं, जिसके कारण वो कुछ आवाज़ करता है, पर इससे जिस रूम में क्वारंटीन होता है उसका साउंड ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो लगभग मरने ही वाला होता है, पर बाकी के लोग जैसे तैसे करके उसे बचा लेते हैं। अब क्वारंटीन का पारा चढ़ जाता है और वो काइजन को मारने लगता है, पर डॉक्टर हेलेन उसे बचा लेती है। तो अब डॉक्टर हेलेन और क्वारंटीन में झगड़ा हो जाता है। हेलेन कहती है कि जरूर वो एक बेकार पति होगा जो कि हर बात पर भड़क जाता है, जो कि अपने बच्चों को भी मारता था होगा, और एक घटिया पुलिस वाले हो जो कि छोटे बच्चों को सताता होगा। अब क्वारंटीन तो रियल लाइफ में भी वैसा ही कमीना था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर हेलेन को थप्पड़ मार के माँ बहन सुना देता है। अब गाली सुनकर लेविन और डेविड भी क्वारंटीन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंसने के बाद से वो अभी तक उनका कोई भी मदद नहीं किया होता है, बस अपनी नेतागिरी दिखा के दादागिरी कर रहा था। पर फिर ये लोग अपना झगड़ा शांत कर लेते हैं। अब ये लोग आखिरी रूम में होते हैं। इस रूम के आगे बस दीवार रहता है, तो क्वारंटीन अपना छोटा दूरबीन से बाहर की ओर देखने लगता है, पर बाहर कुछ भी दिखाई नहीं होता है, वहाँ गुप्त अंधेरा होता है। तो फिर डॉक्टर हेलेन नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो फिर सभी लोग अपने अपना जैकेट निकालकर एक रस्सी जैसा कुछ बना लेते हैं और डॉक्टर हेलेन को उससे बांध देते हैं ताकि वो नीचे जाकर देख सके कि वहाँ आखिर है क्या। अब वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। नीचे पूरा अंधेरा होता है और तभी अचानक से वो क्यूब हिलने लगता है, जिसके कारण उनसे जैकेट छूट जाता है और हेलेन नीचे गिरने लगती है। और तभी क्वारंटीन जैकेट को पकड़ लेता है और हेलेन को ऊपर की तरफ खींचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, पर था तो वो एक हरामी किस्म का। तो फिर उसे याद आता है कि हेलेन ने उसका बहुत बेइज्जती की है और वो उसका हाथ छोड़ देता है, और जिसके कारण डॉक्टर हेलेन अंधेरे में ही कहीं गिरकर मारी जाती है। अब क्वारंटीन बहाना बनाकर सबसे बोलता है कि उसका हाथ फिसलन की वजह से छूट गया। वह लेविन और डेविड को पता होता है कि उसने जानबूझकर हाथ को छोड़ा था और इसीलिए सभी उस पर भड़कने लगते हैं। अब सबकी बात सुनकर क्वारंटीन अपना आपा खो देता है और पागलों के जैसे होने लगता है और चिल्लाकर लेविन पर दबाव बनाने लगता है कि अपना दिमाग फाड़ चला के यहाँ से निकलने का रास्ता खोजे। तो फिर डेविड लेविन का साइड लेते हुए बोलता है कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। वे लोग कब से फंसे हैं यहाँ तक उन्हें नहीं पता था। तो फिर सभी लोग वहाँ सो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद क्वारंटीन उठता है
और लेविन को नींद में ही उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, तो वह गुस्से से उसे दूर ढकेल देती है। और तभी वहाँ डेविड और काइजन आ जाते हैं और वे उसे रोकने लगते हैं। वार क्वांटिन काफ़ी ताकतवर होता है तो वो डेविड को मार मार के दूसरे रूम में फेंक देता है। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये होती है कि इसी रूम में रिंच की भी लाश होती है जो कि एसिड की बरसात से मारा गया था। अब इस लाश को देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे लोग घूम फिर कर उसी रूम में वापस आ गए थे। अब लेविन बहुत परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि उनका यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब डेविड का दिमाग चलता है कि वे लोग घूम फिर कर वापस नहीं आए हैं बल्कि वो क्यूब रूम एक फिक्स समय में अपना स्थान बदलता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह में जाता है। और शायद इसी के कारण उन्हें बीच बीच में इसका झटका लगता था क्योंकि उस टाइम में वे क्यूब रूम अपना जगह बदल रहे होते हैं। यहाँ लेविन को पता चलता है कि क्यूब रूम्स अलग अलग जगह में घूम घुमा कर आखिर में उसी स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाता है। और तभी डेविड के दिमाग की बत्ती जलती है और वह बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का अगर कोई जगह है तो वो है रूम नंबर 27, जिसका कोऑर्डिनेट थोड़ा विचित्र था, मतलब कि कुछ समय बाद रूम नंबर 27 घूम फिर कर इस स्ट्रक्चर से बाहर जाएगी। तो अब उन्हें वही रूम को खोजना था। तो अब लेविन अपने अल्फा बीटा थीटा वाले मैथ से कैलकुलेशन करती है कि क्यूब कितने बार मूव हुई है और क्यूब की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है और कितने समय बाद क्यूब फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा। अब पूरा कैलकुलेशन होने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्यूब आगे 2 बार और जाएगा, इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन में जाएगा। अब उनको बाहर जाने का रास्ता तो पता चल गया था, अब उनको प्रॉब्लम तो बस रूम में लगे ट्रैप से था। इनको पता नहीं था कि कौन से रूम में क्या ट्रैप लगे होंगे। अब लेविन दोबारा से अपना कैलकुलेशन करती है तो उसे पता चलता है कि कौन से रूम में ट्रैप है या नहीं, ये प्राइम नंबर से नहीं बल्कि प्राइम नंबर्स के पावर से डिसाइड होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जो सीरियल नंबर थे वे सभी 9 डिजिट वाले थे और बिना कैलकुलेटर के इनके पावर्स को निकालना लगभग इम्पॉसिबल था। तो अब क्वांटिन लेविन को धमकाने लगता है कि उनके पावर्स को तुम कैसे भी करके निकालो। इस पर लेविन उस पर चिल्लाती है कि ये असंभव है, ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, इसके लिए उन्हें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी हाफ माइंड काइजन उनकी मदद करता है। वो भले ही दिमाग से कमज़ोर था पर वो कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट कर सकता था। ऐसा असली ज़िंदगी में भी होता है कि अगर कोई कमज़ोर दिमाग का होता है तो फिर वो कोई ना कोई चीज़ में सबसे आगे होता है। तो अब वे लोग काइजन की मदद से सही रूम को खोजते हैं और उसमें आते हैं। क्वांटिन आखिरी में होता है और तभी डेविड क्वांटिन का गला को उस रूम के दरवाजे में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसे मार डाले। तो फिर क्वांटिन उस रूम में फंस जाता है और डेविड इस रूम के दरवाजे को लॉक कर देता है। इस रूम में काइजन, डेविड और लेविन होते हैं। अब आखिर में काइजन आखिरी दरवाजा खोलता है तो सामने उन्हें सफ़ेद कलर का लाइट दिखती है। अब तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, पर डेविड बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि अब उसे बाहर की दुनिया से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो इधर ही कैद रहने का सोचता है। तो लेविन उसे समझाने की कोशिश करती है तो अभी क्वांटिन दरवाजा का लॉक तोड़कर वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में एक हैच होता है, उसी हैच से वो लेविन को मारता है और लेविन बेचारी वहीं पर निपट जाती है। फिर वो डेविड को मारने लगता है। अब खून खराबा देखकर काइजन चिल्लाने लगता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है तो फिर क्वांटिन उसे मारने जाता है और तभी डेविड उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है। ठीक उसी समय रूम अपनी जगह से हटने लगता है, क्वांटिन आधा बाहर होता है, इसी के कारण उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और डेविड वापस से रूम में गिर जाता है। फिर काइजन उस सफ़ेद रोशनी की ओर जाने लगता है और शायद वो वहाँ से निकलकर आज़ाद हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।